हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास हीरो की किसी भी एक बाइक है तो आप उसका जो फाइनेंस है आप कैसे जान सकते हो, भाई मतलब आपका कितना ईएमआई बाकी है, कितना ईएमआई देने के लिए बाकी है या कितना ईएमआई आप दे चुके हो, सारे के सारे डिटेल्स कैसे जान सकते हो, वही आज का इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा। और भी बहुत सारे आप जो फाइनेंस किए हो बाइक का आप जान सकते हो, ठीक है ना। आप मुझे और भी बहुत सारा फाइनेंस का जानने के लिए चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा वो भी उसका भी अलग सा वीडियो बनाने के लिए। लेकिन आज का इस वीडियो पे सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, आज के इस वीडियो पे मैं आपको सिर्फ हीरो फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हीरो फाइनेंस, अगर आप हीरो फाइनेंस में बाइक लिए हो तो आप कैसे उसका ईएमआई कैसे चेक कर सकते हो, तो वही आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं टेक्निकल अपडेट इन हिंदी। चलिए बिना टाइम इसके वीडियो करते फटाफट से स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, जब भी आप कोई भी फाइनेंस करवाते हो तो उसका एप्लीकेशन आईडी होता है, एप्लीकेशन नंबर होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं अभी हीरो की बात कर रहा हूँ, हीरो फाइनेंस का, ठीक है ना। एचडीएफसी का कर रहे तो भाई एचडीएफसी फाइनेंस का अलग सा एप्लीकेशन है, तो तरह तरह का एप्लीकेशन है, ठीक है ना। मैं हीरो फाइनेंस की बात कर रहा हूँ अभी। देखिए, अभी मतलब आप हीरो फाइनेंस से बाइक लिए हो तो उसका एप्लीकेशन आईडी होता है, ठीक है ना, एप्लीकेशन नंबर होता है, वही आपको डालना है। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है हीरो फाइनेंस, ठीक है ना। मैं आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस एप्लीकेशन डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। देन आपको क्या प्रोसेस क्या प्रोसेस होगा वही मैं आपको इस वीडियो पर बताऊंगा। तो चलिए मैं सीधा लेके चलता हूं, मैं अपने मोबाइल पे आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे जाना है, पूरा का पूरा डिटेल्स। दोस्तों, आप देख सकते हो मैं आ चुका हूं यहां पर, मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आपने हीरो फाइनेंस से बाइक लिए हो तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सिंपल सा डाउनलोड करना है हीरो फाइनेंस का एप्लीकेशन है। तो गाइज, यहाँ पर देख सकते हो हीरो फाइनेंस का एप्लीकेशन यहाँ पर है, तो सिंपल से आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, नहीं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे देगा। इसको आपको सिंपल सा करना है क्लिक करके ओपन करना है। जब आप ओपन करोगे, जो आपने जो मोबाइल नंबर दिए हो ना, जो फाइनेंस के टाइम जो भी मोबाइल नंबर आप दिए हो वही यहाँ पर डालना है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, मतलब मोबाइल नंबर है फिर भी मतलब कुछ भी गड़बड़ होते, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ लेकिन ये जो मोबाइल नंबर बोल रहा है भाई चारों तरफ, मतलब ये लिंक है ये नहीं हो सकता ये बोल रहा है। तो गाइज, अभी तो ये नहीं हो रहा है, तो आपको नीचे देख सकते हो यहाँ पर लोन एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पर नीचे देख सकते हो, मतलब आप जब एक लोन करते हो तो वहाँ पर एक आईडी होता है, आपको फ़ोन करके शोरूम में पूछना है कि भाई लोन एप्लीकेशन आईडी क्या है, तो वो लोग बता देंगे, वो नहीं तो उनके पास नहीं जाना है, ठीक है ना, वो लोग जरूर बता देंगे, नहीं तो आपको मैसेज भी आ जाएगा। आपके एक फाइनेंस जब आप पे करोगे उसके बाद मैसेज आ जाएगा कि आपके लोन एप्लीकेशन नंबर ये है, तो वही है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लोन एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर से कर सकते हो लेकिन मेरा नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपके भी हो जाएगा अगर मोबाइल नंबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखते, मैं अपने मोबाइल नंबर दूंगा तो नहीं होगा, बोल रहे दिस कॉन्टैक्ट इज लिंक्ड टू मल्टीपल अकाउंट, ट्राई लॉगिंग इन विथ द लोन आईडी इंस्टेड। तो यानी कि ये बोल रहा है कि भाई बहुत सारा अकाउंट में ये मतलब लिंकड है तो ये नहीं होगा। तो अभी आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर नीचे देख सकते हो लोन एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, लोन एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर जो लोन एप्लीकेशन आईडी है, मुझे मैसेज आया था, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो लोन एप्लीकेशन नंबर नीचे लिखा है, तो यहाँ पर इस नंबर को मैं डालूंगा अभी नीचे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना लोन आईडी जो है वो यहाँ पर डाल चुका हूँ। देन आपको वेरीफाई नंबर के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो नंबर फाउंड, यानी नंबर फाउंड हो चुका है, एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर ये है। इफ़ दिस इज नॉट करेक्ट प्लीज कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर, बोल रहा है, यानी कि ये तो करेक्ट है ना, क्यों कॉल करेंगे। सेंड ओटीपी देख सकते हो, कॉल कस्टमर केयर, गो बैक कर सकते हो। तो गाइज, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना सेंड ओटीपी यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, तो ओटीपी आएगा, ठीक है ना। ओटीपी आपको डालना है इतना सेकंड के अंदर, 8490 मेरा मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। यह देख सकते हो ओटीपी ऑलरेडी आ चुका है, डियर कस्टमर योर टाइम लाइन ऑथरी, यहाँ पर ओटीपी जो है यहाँ पर आ चुके हैं, तो ओटीपी आपको डालना है। देख सकते हो ओटीपी मैंने यहाँ पर डाले हैं। देन आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू लॉगिन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो अपना लोन डिटेल्स, देख सकते हो गाइज, यहाँ पर ई एम आई फेल्ड टू
1788, ठीक है ना, टू व्हीलर लोन ये फेल जो हो चुका है। लोन स्टेटस जो है आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, लोन स्टेटस नीचे चेक कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो लोन स्टेटस। अपकमिंग ईएमआई डेट 8 जनवरी को है, अपकमिंग जो है वो 8 जनवरी को है, देख सकते हो लोन स्टेटस जो है यहाँ पर आप मार के यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा डिटेल्स। यहाँ पर लास्ट ई एम आई स्टेटस फेल्ड, ई एम आई अमाउंट 2788 रुपीज़ है। अपकमिंग ई एम आई डेट जो है वो 8 जनवरी को है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो इंश्योर बैंक बैलेंस ऑन लास्ट पेमेंट विल बी चार्जेड ऑन डेली बेसिस इफ नॉट पेड ऑन टाइम, यानी कि वो बोल रहे अगर पेड नहीं करोगी, मतलब बैंक में अकाउंट में बैलेंस नहीं रखी, तो भाई चार्ज लग जाएगा उसका, मतलब 300 या 400 ऐसे चार्ज, 350 चार्ज लगता है और फाइनेंस का अलग से चार्ज लगता है, यानी कि कुल मिला के 600 रुपया चार्ज लग जाए, बाउंस चार्ज आपको लग जाए, ठीक है ना। इसलिए आपको सही से पैसा रखना है भाई, नहीं तो बाउंस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लोन अमाउंट 65,907, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइज मैंने 21,000 शायद, हाँ 21,000 मैंने पे कर दिया था, मतलब डाउन पेमेंट। तो ये 65,000 प्लस ये वो 21,000, मतलब 20,600 या ऐसा कुछ मैं पे किया था, तो ये कुल मिलाकर कुछ ऐसा देते। तो अभी फिलहाल मेरा 65,907 जो है वो अभी बाकी है। यहाँ पर देख सकते हो पे एडवांस ई एम आई, आप देख सकते हो पे एडवांस ई एम आई नीचे लिखा है, मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल दिखाऊंगा। यहाँ गई पे एडवांस ई एम आई व्यू लोन सुमरी व्यू ऑल पेमेंट्स, यहाँ पर सब कुछ आप डिटेल्स चेक कर सकते हो सब कुछ। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो 20 नवंबर का ये दिखा रहा है, देख सकते हो 26 नवंबर 2020 2788 ये दिख रहा है, देख सकते हो यहाँ पर एडवांस ई एम आई रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ड्यू 24 नवंबर, ये था एडजस्टमेंट डन थ्रू डीलर, यहाँ पर ये जो है वो एडजस्ट किया गया है, देख सकते हो। व्यू रीपेमेंट रिक्वेस्ट फॉर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो अपने स्टेटमेंट जो है, यहाँ पर 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का, फ्रॉम बिगिनिंग जब से शुरू किए वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर व्यू लोन सुमारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, पे एडवांस या में मतलब यहाँ पर एडवांस जो पे अपना कर सकते हो, 1 महीना का, 2 महीना का, पे मोर ई एम आई पे आप क्लिक कर मोर ई एम आई भी आप पे कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक करके पे ऑनलाइन, पे एट पेमेंट आउटलेट, पे ऑनलाइन भी आप पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से, यू वॉलेट से, नेट बैंकिंग से, UPI से, मतलब तरह तरह का सुविधा आपको यहाँ पर दिया गया है। बाउंस चार्ज नहीं होगा, आराम से पे कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। तो दोस्तों इसी तरह इसी ट्रिक के मदद से, तो ट्रिक तो नहीं कोई भी गजब गजब कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ लोग होते नहीं जानते है भाई, तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आती हो, तो भाई वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे नए नए टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। तो भाई आप लोग तो सपोर्ट नहीं करते और भाई मतलब क्या होता, मतलब डिमोटिवेट लगता है यार, कुछ मतलब वीडियो बनाने के लिए मन ही नहीं करता क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करते भाई। वीडियो देखते भाई थोड़ा सा लाइक कर दिए, मतलब मुझे थोड़ा मोटिवेट मिल जाएगा ना। तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड है, आप सपोर्ट करोगी या नहीं आपके ऊपर डिपेंड है, तो और क्या कर सकते हैं, और कुछ भी तो नहीं कर सकते भाई। तो चलिए मिलते हैं और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।